नहीं है, इंडिया ने अच्छा क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं है, मतलब जो सीरीज़ T20 सीरीज़ जीते, वनडे सीरीज़ आ रहे हैं, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और होपफुली उम्मीद कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करेंगे, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी टूरिंग साइड के लिए। इंग्लैंड में स्पेशली बहुत ज़्यादा टूरिंग साइड ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हमारा इंडियन टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। देखिए, इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ है कि आप जितना स्पोर्ट्स खेलेंगे आपको इंजरीज होनी है, और पहले के ज़माने में जब क्रिकेट जैसे हर सीरीज़ के बाद 2 महीने का ब्रेक होता था, आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं और होगा भी नहीं। उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि आपको 2 महीने का ब्रेक मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें करते हैं पहले के ज़माने में, फिजियो के साथ मसूस ट्रैवल नहीं करते थे, अब इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंजरीज नहीं होगी, वो नेचुरल है, बिकॉज क्रिकेट जो गेम है वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को बॉडी को बोलता है जो बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए, मुझे उम्मीद है धोनी काफ़ी और क्रिकेट खेलेंगे, और बहुत देखो उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, सो आई एम श्योर वो एक जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे वो अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं उनसे कल ही मिला हूँ, एक शादी में मिला मैं कल, और वो काफ़ी फिट भी नज़र आए और माइंड सेट भी उनका काफ़ी पॉजिटिव था, और वो काफ़ी फोकस भी है और क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए, ऑलरेडी जो सिलेक्टर्स वगैरह है, ऑलरेडी जो कोचिंग स्टाफ है, वो उसी प्लान को मद्देनजर रखते हुए टीम का चयन भी कर रहे हैं, टीम पे ध्यान भी दे रहे हैं, वो चेंजेस भी काफ़ी कर रहे हैं उसी वजह से, ताकि वो 2019 में जो वर्ल्ड कप आने वाला है उस पर फोकस किया जाए। बिल्कुल, आज होपफुली मैं UV से भी मिलूँगा, तो जब उसे मुलाकात होगी तो ये बात भी की जाएगी। लेकिन ये सारे बच्चों को बहुत सारे हम लोगों ने प्लान किए, हमारा प्लान ये भी है कि सिर्फ जो हमारे जो इंडियन बच्चे हैं जो इंडिया के बाहर भी हैं उनके लिए भी हम लोग अकेडमी खोलने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे गल्फ में बहुत सारे बच्चे जहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें वो अकेडमी खोले वहाँ पे, ताकि उनको प्रैक्टिस मिले। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग वो एक्सचेंज प्रोग्राम जो कहते हैं वो भी आने वाले वक्त में किया जाएगा। फीमेल क्रिकेटर के लिए स्पेशली हम लोग रेट देते हैं जो 50% ऑफ होता है, जो फीमेल क्रिकेटर्स के लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्लस आर्मी के बच्चों को हम लोगों ने नोएडा में विदाउट एनी पेमेंट उनको वहाँ पे रखा हुआ है, स्कॉलरशिप दी रखी है। साथ ही साथ ओपो के साथ मिलके 17 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, जहाँ पे 17 बच्चे उनको स्कॉलरशिप है, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं जो सोसाइटी को वापस भी देना है, साथ ही साथ हमें भी ग्रो करना है। 2019 में क्या पाकिस्तान के साथ क्या क्रिकेट खेला जाएगा? वो तो फिक्सचर्स पे पता चलेगा क्या है कैसा है। मेरा बस चले तो अभी चले जाऊँ, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है जो आने वाला सीज़न है, मैं JNK के लिए मेंटोर कम प्लेयर खेलने वाला हूँ, और मेरे लिए बहुत क्रूशल सीज़न है वो, उसमें मैं कैसा परफॉर्म करूँगा सब उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन पूरी जान लगा हुआ ये सीज़न जो अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है 19 September से, उसमें पूरी जान लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है।